बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठे फैज़ फेस्टिवल में ख़वातीन और हज़रात, आप सब को खुशामदीद कहता हूँ। सेशन का आगाज़ करने से पहले एक बात मुझे कहनी है। इस सेशन का उन्वान है अदब का हौसला। तो मैं आगाज़ अपने दोनों पैनलिस्ट और जो बहुत बड़ी हस्तियां हैं उर्दू अदब की, उनकी इजाज़त से सेशन के आगाज़ से पहले पेशावर के साने की मज़म्मत करना चाहता हूं। और मैं ये पैगाम भी यहाँ से देना चाहता हूं कि अदब का जो हौसला है उसके सामने इस तरह के वाक़यात कोई अहमियत नहीं रखते। अदब तारीख़ में इससे बड़े सानहों को बर्दाश्त कर चुका है और एसिमिलेट कर चुका है और एक तख्लीकी सतह पर उसका इजहार कर चुका है और करता रहता है। तो ये नुक्ता आगाज़ था आज के इस मौजू का। मेरे साथ ज़ोहरा निगाह और आरफा सैयदा हैं, तो मैं बहुत मुतमईन हूँ कि शायद आज मुझे कुछ नहीं बोलना। हम उन्हें सुनेंगे और हम ये मौका लेंगे कि हम उन्हें ज़्यादा सुन सकें। सिर्फ मुझे और उनका तारुफ भी मुझे नहीं कराना कि ये उर्दू दुनिया की वो रहनुमा शख्सियात हैं कि जिनसे ज़माना सीखता है और ज़माना उनकी सोबत में बैठता है और उनसे सवाल भी करता है और उनके लिखे हुए का एहतराम भी करता है। सो उनका तारफ़ उनकी अपनी शख्सियात हैं। जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक़ है, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ और फैज़ की 3 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ जिससे इस मौजू का आगाज़ होता है। फैज़ साहब कहते हैं, दिल से पैहम ख्याल कहता है, दिल से पैहम ख्याल कहता है, इतनी शीरीं है जिंदगी इस पल, इतनी शीरीं है जिंदगी इस पल, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरां हो सकेंगे आज न कल, चांद को गुल करो तो हम जाने। बहुत खूब, आपने भी अच्छा कहा। अब इस इन फैज़ के इन मिसरों की बुनियाद पर हम देखते हैं कि उर्दू अदब ने बहुत ज़माने देखे, तारीख़ को देखा, तारीख़ के सानहों को देखा, इंसान पे गुज़रने वाले उन तमाम वाक़यात को देखा, तजर्बात को देखा और इतनी गहराई पैदा की कि हज़ारों साल की तारीख़ अदब में महफूज है। और उसका हौसला देखें कि हर दिन को वो अपने में महफूज करता है अदब। और फिर जो हौसला हमें शायरी से मिला, फिक्शन से मिला, इंसान को जो तसल्ली मिली, इत्मीनान मिला, उसका ताल्लुक आज के इस मौजू के साथ है कि ये एक बहुत बड़ी गहराई है और एक बहुत बड़ा तजर्बा है जो अदब अपने में समोता है और अदब अपने में महफूज करता है। अभी कल ही बात रास्ते में ज़ोहरा निगाह मेरी रहनुमाई कर रही थी कि अदब के हौसले में सबसे बड़ा रोल हमारी शायरी की उस रिवायत का रहा है जिसका ताल्लुक सूफिया से है और किस तरह अमीर खुसरो से लेकर मीर तकी मीर, सौदा, मीर दर्द, नासिख, मोमिन, गालिब, इकबाल, एक पूरा सिलसिला है कि किस तरह उन्होंने इंसान को हौसला दिया और किस तरह उन्होंने इंसान को कदम कदम पे ये बताया कि जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो दुख इंसान ने सहे हैं, चाहे वो तकसीम के दुख हों, चाहे वो किसी और सतह के दुख हों, तो उन शायरों ने कदम कदम पे उन सारे तजर्बों को एक और तरीके से बयान किया, पेश किया। तो मैं ज़ोहरा निगाह से ही आगाज़ करूँगा कि वो रहनुमाई करें कि इस मौजू के हवाले से क्या क्या इम्कानात हैं, क्या क्या इसकी डायमेंशन हैं। आवाज़ है इसमें? हाँ ठीक, आवाज़ आ रही है आप तक। मौजूद सामईन कराम, असल में मैं उम्र के उस दौर में हूँ कि जो आदमी बात करे उसका सिलसिला बीच बीच में से टूट जाता है और कोई और बात करने लगता है। बल्कि मेरी कोई बात नहीं, मेरी एक नज़म का एक हिस्सा है कि सुना है उम्र बढ़ जाए तो बातों का तसलसल टूट जाता है, जो किस्सा कहने बैठे उसके दामन से नए किस्से उलझते हैं और जो कहना चाहते हैं हम उसी को भूल जाते हैं। इतना अच्छा आप इन्होंने यानी आपसे तारुफ कराया इस मौजू का। अब उसके बाद सिर्फ यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले ज़मानों में तसव्वुफ को अखलाक, तहज़ीब, तमद्दुन का एक सरचश्मा कहा जाता था और जाहिर है कि हर मदरसा फ़िक्र तसव्वुफ से मुतासिर था, तो शेर व अदब उससे क्यों दूर रहते। तो इस तरह यूँ हुआ सामईन के शायरी और दरवेशी, ये दोनों सिफ़ात जो थी ये आपस में घुल मिल गई और यही दरवेशी शायरी में हिम्मत और हौसला पैदा करती है। जब आप दुनिया के सारे दूसरे मसाइल से रुपया, पैसा, ताल्लुकात, मराआत इससे बेनियाज हो जाते हैं तो आपके जहन में सिर्फ हौसला बाकी रह जाता है, जो हमारे यहाँ सूफ़ी शौरा को भी था कि उन्होंने खूब कस के हिम्मत करके हुकूमत पे, माशरे पे, रस्म व रसूम पे, हर चीज़ पे और बड़े हुकूमतों, बादशाहों पे, मुफ्तियों पे, काजियों पे, सब पे खुल के तनकीद की। लेकिन यहाँ एक बात और भी काबिल गौर है कि उन्होंने जो चाहा कहा, क्यों आरफा आप मुझसे मुत्तफ़िक़ हैं कि उन्होंने जो चाहा कहा, मेरी मजाल है कि मैं आपसे कि जो चाहा कहा, लेकिन उन पे किसी पे कोई मुकदमा नहीं चला, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली। कभी सोचती हूँ कि क्या वो माशरा आज के माशरे से ज़्यादा रोशन ख्याल था? क्या वो लोग ज़्यादा कुशादा दिल थे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते थे, इस तरह के अशार सुनते थे, उनसे महजूज़ होते थे और मुफ्ती और काजी ये समझते थे कि भाई शायरी के जो दर्जात हैं हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। देखिए मीर साहब ने तो कशका तक खींच लिया था, वो तो जाके उन्होंने ऐलान कर दिया था, उन्होंने कहा था मैं तो मस्जिद से उठ के देर में चला गया, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको चाहे खुदा ख़राब करे। इस तरह की बातें एक नहीं, हज़ारों हज़ारों। इत्तेफाक की मेरी खुशकिस्मती यह है कि मेरा थोड़ा सा वक्त फैज़ साहब के साथ गुजरा है और ये इससे ज़्यादा बड़ी खुशनसीबी मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं हुई। तो मैं जब मीर की बात करती थी फैज़ साहब मुझसे कहा करते थे कि सौदा को पढ़ो, तो मैं कहती थी ज़रा मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन जब उनके कहे पे मैंने सौदा को पढ़ना शुरू किया और उन्होंने जिन जिन उसकी मंजूमात की तरफ इशारा किया, तो शहरा शोब उनका और उनकी दूसरी उस, तो मेरी आँखें खुली। उस ज़माने में तकरीबन असगर कोई 250 साल तो हो गए होंगे या 200 से तो ज़्यादा हो गए मीर सौदा को, ये गालिब से भी पहले वाले लोग हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अजीब निकली, तो मैंने कुछ आप लोगों की यानी समाज के लिए उसको इकट्ठा किया है। मौलाना रूम की एक मैं कौल आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मौलाना ने फरमाया कि आलिम की सबसे बड़ी सिफत जो है वो फराख दिली है। अगर वो कुशादा दिल नहीं है तो उसका इल्म उसके सीने में घुट के रह जाता है। और हमारे जो बदनसीबी से ये लगता है, मैं बड़ी ये बात बहुत झिझकते हुए कहना चाहती हूँ कि इन दिनों मालूम नहीं क्या हवा चली है कि कुशादा दिली रफ्ता रफ्ता लोगों के जहनों से मादूम होती चली जाती है। अच्छा ये भी देखिए कि इसमें शक नहीं कि उन शोरा ने शहराशोब भी लिखे, रोटी तो किसी ना किसी कसीदे भी लिखे, रोटी तो किसी ना किसी दिन उनको कमाना थी, शहराशोब भी लिखे उसके साथ। और गज़ल में तो उन्होंने वो कमाल दिखा दिए कि जुल्म सितम की ऐसी मंजर निगारी की कि मैं आपसे अर्ज़ नहीं कर सकती। सब किताबों के खुल गए मानी। मीर साहब फरमाते हैं कि सब किताबों के खुल गए मानी, जब से देखी किताबें दिल की किताब। अच्छा, फिर मौलाना रूमी मुझे याद आते हैं कि फरमाते हैं कि इंसानों के अंदर ऐसी मुमकिनात मौजूद हैं कि अगर शिद्दत तलब से उनकी आबियारी की जाए तो किश्ते हयात पर अब्र रहमत जवाहरात पैदा कर सकता है। जवाहरात से मतलब आम जवाहरात नहीं जिनका आजकल सबको शौक़ है, हीरे जमरुद वगैरह वगैरह। जवाहरात जहन की और अक्ल की वो दौलतें हैं जो कि शिद्दत तलब की आबियारी से पैदा होती हैं, जिसका रास्ता शायरी की शफाफ राह से गुजरता है। अब देखिए, मैं आपको सौदा के कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। ये एक लिहाज से 250 पुरानी शायरी है, लेकिन ये हर सियासी जमात का मंशूर है। किसी ज़रा मुश्किल है अगर मैं थोड़ा सा आपको उसकी वजाहत कर दूँ। इसका मतलब ये कि जो हमारी नौजवान तबका है वो पुरानी उर्दू के बाज़ अल्फाज से वाकिफ़ नहीं। किसी गदा ने सुना है ये एक शह से कहा, करूँ मैं अर्ज़ गर उसको न सरसरी जाने। वो बादशाह से कह रहा है। उमूर मुल्क में लाजिम है शह को ये लाजिम, उमूर मुल्क में अव्वल है शह को ये लाजिम, गदा नवाजियो दरवेश परवरी जाने। और मकाम अदल पे जिस दम सरीर आरा हो, जिस वक्त वो कुर्सी इंसाफ पे बैठे, मकाम अदल में जिस दम सरीर आरा हो, तो हर एक खुर्दो कला में बराबरी जाने। अच्छा देखिए, मुलाजिमों में न लावे ये उसको बरसरे कार। मुलाजिमों में ये बहुत अहम शेर है, हम हर हुकूमत में ये देखते आए। मुलाजिमों में ना लावे ये उसको बरसरे कार, कि जिससे कारे खलायक में अबतरी जाने। कि बादशाह तो ठीक है, आसपास बैठने वाले बर्बादी लगा रहे हैं। अच्छा, न बजा जो तरह सिपाही दे उसको समझे मर्द, बजा जो तरह सिपाही दे उसको समझे मर्द, न ये कि मरने को बेजा से पहगरी जाने। और ये कि हम ये वो कहता है कि जो शख्स नायब व दावर कहा है आलम में, ये क्या सितम है ना आईने दावरी जाने। अरे उसे बैठने का हक़ ही नहीं जो ये कानून ही नहीं जानता कि हाकिम होने में क्या क्या सिफात होनी चाहिए। ये 250 साल पुरानी शायरी है। देखिए आप क्या कहते हैं। हाँ, ये सौदा कहता है, वाजिबुल कत्ल तो हम थे ही, पर इतनी जल्दी भाई कत्ल तो करो, ये तो तय है कि तुम्हें कत्ल करना है हमको। यारो तकसीर भी असबात ना होने पाई, अभी तो हमारा गुनाह ही नहीं मुकरर हुआ, पहले गुनाह तो मुकरर करो उसके बाद कत्ल कर दो। फिर कहता है कि एक और शेर मैं आपको, ये सौदा का नहीं आतिश का है, कि कुफ्र व इस्लाम की कुछ क़ैद नहीं है आतिश, शेख हो या के ब्रह्मन पर वो इंसान होवे। शेख हो या के ब्रह्मन पर वो इंसान होवे। हाँ, अपना तो सर झुके है दोनों तरफ में उसकी, अपना तो सर झुके है दोनों तरफ के उसकी, तस्वीर बुत कदे में और है हरम में खाका। देखिए कैसे कैसे, वाह वाह वाह। कहता है कि क्या काबा वो दैर क्या खराबात, तू ही था जिधर जिधर गए हम। आज आलम ये है कि हर मुसलमान अपने मजहब पे बात करते हुए डरता है। आप देख चुके 3 दिन पहले क्या हुआ है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को ये कहते हुए सुना कि आप लोग जलसों में जाते हैं, हर मौजू पे बात कीजिए, मज़हब पे बात मत कीजिए। भाई हम क्यों नहीं, क्यों ना करें, पैदा हुए मुसलमान, मरना चाहते हैं मुसलमान, हम अपने मज़हब पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए क्या वो माशरा ऐसे लिखे गए शेरों के मुताबिक ज़्यादा रोशन ख्याल था? क्या वहाँ बोलने की आज़ादी आज के ज़माने से कई गुना ज़्यादा थी? क्या हर मुनसिफ की मीज़ान अदल पे जो नज़र थी वो इतनी जमी हुई थी कि उसमें पासंग का सवाल ही नहीं था। क्यों करते वो ऐसा कि क्या वो बादशाह हैं, क्या वो बादशाहतें हैं? और वो ज़माना आजकल की नागुफ्ताबे और तंगदिल जमहूरियतों से ज़्यादा अच्छा था। शायद एक बात का फ़र्क था कि उन लोगों को यकीन रहमत परवरदिगार पे यकीन था और आज हम उससे आ रहे हैं, हमें नहीं।